जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन आप जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018 से रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फिर से आपकी एक बार कट ऑफ कम हो गई थी। दोस्तों अभी तक आपने वो नोटिस नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बार बार कमेंट करके बोल रहे कि सर कब आपकी हमारी जो कट ऑफ है वो कम हुई। तो आपका रिवाइज रिजल्ट फिर से जारी किया गया, जहां पर आपने आपको पता भी होगा दोस्तों कम से कम 19,000 अभ्यर्थियों को और भी बुलाया गया, तो फिर आपकी कट ऑफ कम कर देगी। मैं ऑफिशियल नोटिस आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस कैप्स एनआईएसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 मतलब 2018 एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए फिर से दोबारा अभ्यर्थियों को पास किया गया। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर पूरी न्यूज, आप खुद अपनी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे राज्यों की कट ऑफ फिर से कम हो चुकी है। यहाँ पर आप खास तौर से बात बता देता हूँ, पूरी जानकारी की बात करें तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं रिवाइज रिजल्ट कांस्टेबल जीडी कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 टू कॉल कैंडिडेट फॉर पीटी पीएसटी वाज डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन ऑन 12/9/2019। मतलब इन्होंने बताया कि 12/9/2019 को इन्होंने पीटी और पीएसटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, जिसमें 5,35,169 कैंडिडेट थे। फीमेल 68,781 थी, जबकि मेल 4,66,388 थे। वर्ड शॉर्ट लिस्ट फॉर अपेयरिंग इन एफिशिएंसी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इतने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया था सबसे पहले, लेकिन एमएचए वाइड लेटर डेट 26/11/2019 को इंस्टीमेटेड टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी गई थी, 60,210 आपकी वैकेंसी हो चुकी है। ड्यू टू रिविजन ऑफ वैकेंसी इन फ्यू स्टेट, कुछ स्टेट और यूटीज में एडिशनल कैंडिडेट हैव बीन शॉर्ट लिस्ट इन एन अप्रोक्सीमेट ए रेशियो 1:10 के अनुपात में, 1:10 के हिसाब से यहाँ पे फिर से अभ्यर्थियों को पास किया गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 19,734 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट 8,588 है, जबकि मेल कैंडिडेट 11,186 है। 11,146 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है पीटी और पीएसटी के लिए दूसरी बार। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो दोस्तों, आपकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो पहले की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में आपको अंतर दिखेगा। जब आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल होने के बाद में एक कट ऑफ आई थी जिसमें मेडिकल के लिए बुलाया गया था, तो उस कट ऑफ से आपकी कट ऑफ फिर कम हो चुकी है। यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें तो आप खुद देख सकते हो यहाँ एसएसएफ में आपकी कट ऑफ फिर से 1 या 2 नंबर कम हो चुकी है। अगर स्टेट्स की बात करें, एनआईए एसएसएफ में भी कम हुई है। अगर स्टेट्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपकी कट ऑफ फिर से कम हो चुकी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी राजस्थान की, जी हाँ दोस्तों राजस्थान की सबसे ज़्यादा कट ऑफ इस बार रही थी। यहाँ पर कितनी कट ऑफ राजस्थान की रही थी, ये आपकी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, मेल कैंडिडेट की मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो दोस्तों कट ऑफ डिटेल ऑफ मेल कैंडिडेट, ये आपकी कट ऑफ फिर से कम हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको राजस्थान की दिखा देता हूँ। राजस्थान की फिजिकल के बाद की कट ऑफ 83 पॉइंट समथिंग रही थी, लेकिन फिर आपकी कट ऑफ यहाँ पे कम हो चुकी है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे 81 कट ऑफ है ओबीसी की और 81 कट ऑफ जनरल की है। यहाँ पर जनरल में 151 अभ्यर्थियों को फिर से क्वालिफाई किया गया फिजिकल के लिए, ओबीसी में 71 क्वालिफाई किए गए, जबकि एससी एसटी में एक भी बंदा क्वालिफाई नहीं किया गया। तो यहाँ पर सभी स्टेटों की जो कट ऑफ है आपकी एडिशनल रिजल्ट के बाद में जो कट ऑफ है वैकेंसी बढ़ने के बाद में आपकी कट ऑफ है वो कम हुई है। आप खुद अपने स्टेट का बिलोंग करते हो तो आप देख सकते हो एसएससी की साइट पर भी इसका नोटिस पड़ा है। लगभग तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर एससी की पहले दोस्तों जो कट ऑफ है वो 35-36 के लगभग थी, लेकिन कम होकर 34 हो गई है। बहुत सारे स्टेटों की कट ऑफ कम हुई है, उत्तर प्रदेश की भी यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलेगी आपको। ओबीसी की 76 हो चुकी है, जबकि 78 के समथिंग चली गई थी, और जनरल की भी 80 के लगभग थी, जिनमें से 78 हो चुकी है, और 1,047 अभ्यर्थी फिर से नए क्वालिफाई किए गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी के। तो यहाँ पर सभी राज्यों की कट ऑफ फिर से कम हो चुकी है दोस्तों। अगर ये
नोटिस दोस्तों है जरूर पुराना, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं देखा है। उनको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी कट ऑफ बढ़ने जो फिजिकल के बाद की कट ऑफ है वही है, लेकिन दोस्तों एडिशनल और रिवाइज रिजल्ट के बाद में आपकी कट ऑफ फिर से कम कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2018 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट, कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।